दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट का एक नया अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट पर एक नया अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो हाय गाइस, माय नेम इज मोहम्मद शब्बीर एंड यू आर वॉचिंग मोबीकॉम टिप्स। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल फोन में फ्लिपकार्ट का एक नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेंगे। अगर ये आपके मोबाइल फोन में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो इस बॉक्स में टैप करके जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे और एंटर करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो आपको साइनअप का ऑप्शन मिलेगा। तो साइनअप के ऑप्शन पे टैप कर देंगे और जब आप साइन अप के ऑप्शन पर टैप करेंगे तो फिर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर लिखा होगा प्लीज वेट, वी आर ट्राइंग टू ऑटो वेरीफाई योर नंबर विद एन एसएमएस सेंड टू, आगे मोबाइल नंबर लिखा होगा। अगर आपका सिम कार्ड उसी डिवाइस में लगा हुआ है जिस डिवाइस की हेल्प से आप फ्लिपकार्ट का अकाउंट बना रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई करके कोड डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपका सिम किसी दूसरे मोबाइल में लगा हुआ है तो इंटर कोड मैनुअली के ऑप्शन पे टैप करेंगे और जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर इस तरह से मैसेज देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से ये जो कोड है 656825 वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे और एंटर करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे अगर ये कोड सही होगा तो यहाँ पर आपसे सेट न्यू पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं फ्लिपकार्ट अकाउंट के लिए वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेंगे और एंटर करने के बाद नीचे डन के ऑप्शन पे टैप कर देंगे। तो जब आप डन के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर अकाउंट क्रिएटेड लिख करके आएगा और यहाँ पर फिर इस तरह से प्लीज वेट लिख करके एक नोटिफिकेशन आएगी और ये आपका जो फ्लिपकार्ट का ऐप है वो ओपन हो जाएगा। तो फिर थ्री लाइन्स पे टैप करेंगे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जो थ्री लाइन्स हैं, तो इन थ्री लाइन्स पे जब आप टैप करेंगे तो बिल्कुल नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जब स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां पर माई अकाउंट लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन पे टैप करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे और जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से देखने के लिए हमें मिलेगा। यहां पर इंटर फुल नेम लिखा होगा तो इस इंटर फुल नेम पे टैप करके अपना जो भी नाम है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले बॉक्स में एंटर कर लेंगे और एंटर करने के बाद ऊपर बिल्कुल आपको दो इमेजेस दिखाई दे रही होंगे, एक मेल एक फीमेल। तो यहां से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट के बटन पे या सबमिट के ऑप्शन पे टैप कर देंगे। तो इस तरह से ये जो आपका प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी और उसके बाद फिर आप बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा, माई एड्रेस, और यहाँ पर नीचे एक बटन बना होगा एड एन एड्रेस का। तो यहाँ से एक एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है वो एड कर लेंगे। तो इस पर जब आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर पिन कोड और भी डिटेल्स, आपका घर का नंबर और सारी चीजें पूछी जाएगी। आप चाहें तो यूज माई करेंट लोकेशन के ऑप्शन पर भी टैप कर सकते हैं, इससे आपके एड्रेस की डिटेल्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होती है तो उसे आपको मैनुअली फिलअप करना होगा और जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर एक एक करके आपको फिल करना होगा। तो सारी डिटेल्स जब यहाँ से आप फिल कर लेंगे, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं नेम है, मोबाइल नंबर है, सारा कुछ है, जब सब कुछ आप फिलअप कर लेंगे तो नीचे सेव के ऑप्शन पे आप टाइप करेंगे होम एड्रेस या वर्क या ऑफिस एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि फ्लिपकार्ट का एक नया अकाउंट अपने मोबाइल फोन की हेल्प से किस तरह से बनाया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसे आप कमेंट में बता सकते हैं और इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए मोबीकॉम टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।